top 7 ghosts to Discord on camera that will make you afraid for a long time. Number 1. Live Scary Nightmare. इस वीडियो को लालो एस्कालांते नामक एक घोस्ट एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड किया था जब वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक लोकल एंड काफी पुराने सिनेमा हॉल में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। उस जगह टहलते वक्त पहले तो उन्हें किसी अननोन ऑब्जेक्ट की आवाज आती है थिएटर हॉल के चेयर्स के पास से। इस घटना के ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एक क्रू मेंबर एक काफी वियर्ड क्रिएचर या फिर एक सिल्वेट फिगर को थोड़ा डिस्टेंस में कैप्चर कर लेते हैं, जिसको स्पॉट करने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। Güey, no, güey. Allá abajo se escucha un ruido, güey. Allá abajo, allá abajo, allá abajo. No mames. Hey, cuidado. ¿Hola? No mames, no mames, no mames, no, 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 no. ¿Qué pasó? No mames, culo. ¿Qué viste o qué? ¿Qué? Güey, vi a alguien en el fondo, güey, te lo juro. Ven, 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 ven. No mames, no mames, no mames, no mames, no, 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 no. ¿Qué pasó? No mames, culo. ¿Qué viste o qué? ¿Qué? Güey, vi a alguien en el fondo, güey, te lo juro. Ven, 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 ven. ¿Eh? Cuidado, cuidado. ¿Dónde? Te lo juro que aquí vi a alguien sentado, güey. No mames. Yo, aquí, güey. जिस हिसाब से वो ब्लैक फिगर वहां से वैनिश होती है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई नॉर्मल जानवर हो सकता है। बाकी वैसे तो आपके ओपिनियंस ही मेरे लिए हमेशा बेस्ट साबित होते हैं। नंबर 2, टेरर ऑफ ड्रीम्स। इस वीडियो को एक लेडी ने रात के समय में रिकॉर्ड किया था जब उन्हें किसी ऑब्जेक्ट के गिरने की साउंड आती है। उनके घर में वैसे उनकी कैट भी उनके साथ रहा करती थी तो उन्होंने उस आवाज़ को तो कम्प्लीटली इग्नोर करके पानी पीने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन पानी पीते दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी कैट नहीं थी उस साउंड के पीछे, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड पैरानॉर्मल चीज़ उनके घर में छुपी बैठी हुई थी एंड उनका इंतज़ार कर रही थी। Cici, jangan kacau ibu punya komputer lah. Sayang, sayang dah balik eh, baby. Oh!
कुछ आवाज़ों के फिर से आने के बाद वो जब अपने घर को थोरली थोड़ा और डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती हैं तो एक कमरे के पीछे उनकी हॉन्टिंग्स का कल्प्रिट भी दिखाई दे जाता है, जिसको देखने के बाद उनकी हॉन्टिंग्स डेफिनेटली सिर्फ उनकी ही नहीं रहती। नंबर 3, एक्सप्लोरिंग रियल हॉरर। इस वीडियो को एक ताइवानीज घोस्ट एक्सप्लोरर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था, जब वो ताइवान के किसी अबेंडेंड ऑफिस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करने अकेले गए होते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं जिसको साफ साफ सुनने और देखने के बावजूद उनके पास उन चीज़ों के पीछे होने का कोई ठोस कारण मौजूद नहीं होता। इस घटना के बाद भी इनका स्केरी हॉन्टेड सफर जारी रहता है एंड और भी ज़्यादा स्केरी साउंड्स एंड एक अननोन पैरानॉर्मल डोर मूवमेंट भी उनका ये स्केरी मूवमेंट ज्वाइन कर लेता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया था कि जब वो डोर रिपीटेडली ओपन एंड क्लोज हो रहा था तब कैसे उनका ईएमएफ मीटर कितना तेज तेज बनना शुरू हो जाता है, मे बी इंडिकेटिंग कि इन द एंड इस ऑफिस में उनके साथ काम करने डेफिनेटली कोई और भी आ जाता है। नंबर 4, द एक्टिव पैरानॉर्मल। इस वीडियो को एक पोर्चुगीज घोस्ट हंटिंग लेडी ने एक होम ओनर के घर के अंदर जाकर रिकॉर्ड किया था। एक ऐसी बिल्डिंग थी वो जिसके अंदर एक ब्लैक सिल्वेट फिगर स्केरी पैरानॉर्मल एंड घोस्टली एक्टिविटीज एंड इवन क्रीपी अननोन प्रेजेंस को भी फील किया है उनके होम ओनर्स ने। एंड मैंने इनकी फुल इन्वेस्टिगेशन में से कुछ क्रूशल पॉइंट्स निकाल लिए हैं आपके लिए एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इनकी इन क्लिप्स पर थोड़ा गौर से जरूर नज़र मारना। Se ve que hay muebles antiguos que ya están llenos de tierra, que ya están... ¡Ale! ¡No, no, no! ¿Viste, Melissa? ¡Se murió! Llenos de tierra, que ya están... ¡Ale! ¡No, no, no! ¿Viste, Melissa? Sí, porque esto es como un hueso, ¿no? Como un hueso. Ay, ¿pero qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Ahora tú no lo agarres? सबसे पहले इन्हें कुछ स्केरी अलमीरा डोर मूवमेंट्स दिखाई देती हैं एंड देन कुछ ओकल्ट का सामान यानी कि ब्लैक मैजिक एंड अदर वर्ल्ड रिचुअल्स को बढ़ावा देने वाली चीज़ें उस घर के गार्डन एरिया में दबी हुई मिली उन्हें। एंड इन दी एंड इनको एक जगह पर एक ब्लैक शेडो फेस भी दिखाई देता है विच कम्प्लीटली डिसअपीयर्स इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। सो क्या वो घर किसी पैरानॉर्मल पावर के इन्फ्लुएंस में था? आपको
क्या लगता है। नंबर 5, हाउस घोस्ट एनकाउंटर। इस वीडियो को एक टिकटॉकर ने रिकॉर्ड किया था जब वो अपने घर में कुछ रैंडम एक्ट्स ऑफ स्केरीनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले उनका बेडरूम डोर कुछ इस टाइप से रैटल करना शुरू कर देता है मानो जैसे कोई चीज़ उनकी जगह पर आने में बेताब हो। बट व्हेन ही ओपन्स दैट डोर क्लियरली कोई भी नहीं होता उधर। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के कुछ ही देर बाद एक स्केरी लाउड बैंग भी आउट ऑफ नोवेयर आती है जो उन्हें उस जगह से भाग जाने पर मजबूर कर देती है। नंबर 6, द घोस्टली पेशेंट। ये शॉर्ट वीडियो भी एक हॉस्पिटल स्टाफ ने रात के समय में सिर्फ थोड़ा मस्ती मजाक करने के हिसाब से रिकॉर्ड करी थी बट उनका फन टाइम एक ही सेकंड में हॉरर टाइम बन जाता है जब वो अपने पीछे वाले कॉरिडोर में किसी हॉरिफाइंग तरीके से जाती हुई कोई चीज स्पॉट कर लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो शायद कोई पेशेंट होगा जो मे बी स्लीप वॉक जैसे बीमारी से जूझ रही होंगी और मे बी फॉर सम मोर सिंपलर टास्क वो अपने बेड से उठकर कहीं मे बी जा रही होंगी। बट हॉस्पिटल स्टाफ का ऐसा रिएक्शन देखकर ये जरूर लगा कि ये नज़ारा उन्होंने पहले अपनी लाइफ टाइम में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आपके अकॉर्डिंग किसकी फिगर थी वो, अ घोस्ट लेडी और जस्ट अ स्केयरली ड्रेस्ड पेशेंट। नंबर 7, द रशिंग स्पिरिट। इस वीडियो को कुछ टाइम पहले एक जापानीज ट्रक के डैश कैम की मदद से रिकॉर्ड किया गया था। जो वीडियो में आया वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी के कारण थोड़ा कम अच्छे से दिखता है बट ये जो फुटेज अभी आप देखने वाले हो वो एकदम रॉ है एंड इसके अंदर आप रोड क्रॉसिंग पर एक फेंट मिस्टी सी फिगर को जाते हुए देख पाओगे जो काफ़ी जल्दबाजी में एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देती है। तो क्या अकॉर्डिंग टू न्यूमरस पीपल ये फिगर सच में किसी डेड पर्सन की लर्किंग स्पिरिट थी? आपके क्या ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग द सेम? नंबर 8, द ट्रू लेडी घोस्ट। इस वीडियो को कोड नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया था जब वो अपने एक करीबी दोस्त के साथ मिलकर एक अननोन अबेंडेंट बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे एंड अपनी पैरानॉर्मल जर्नी के एंड तक आते आते उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी नज़ारे को कैप्चर कर लिया जो किसी को शॉकिंग जरूर लग सकती है। Bateria minha já tá indo pro Bedeléu, mano. É que é minha. Cuidado. Foi, mano. Mano, aí. Dá pra ver tudo lá, cara. Tá bem iluminado lá. E aí, mano? Hã? O quê? Não tem mais nada, não. Será que tem como sair pela cozinha lá? Ah, é, mano. Eu sei, pô, não é, pô. Isso não é, não é normal, não, cara. Não. Isso não é normal, não, mano. Escorpião? Olha lá. Olha lá. Vi minha mãe aqui. Né? Hã? É uma formiga. É, não. Mano, vambora, vambora, velho. Aqui! Atirei, mano! Nossa, cara, Sai, vamos por aqui. Nem sei onde vai sair aqui, mano. Galera, até os próximos vídeos aí, você é louco, mano. A woman who was completely dressed in white उन्हें उस बिल्डिंग की टूटी हुई वॉल की तरफ नजर आती है जिसपे फायरिंग करने के बावजूद उसको कुछ नहीं होता।
तो क्या कोड ने एक असली पैरानॉर्मल बीइंग को कैप्चर कर लिया था बाय एनी चांस, और इज इट जस्ट सम स्केरी एक्ट? अपनी हॉरर डोज को अगर आप और भी ज्यादा ओवरलोड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी हॉन्टिंग स्केरी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाए बिना बिल्कुल मत जाना, एंड इस वीडियो पर एक लाइक भी जरूर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नए और ट्रूली हॉन्टेड सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।